हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ शत्रु नाश का। एक इतना अमोघ उपाय है, इतना अचूक उपाय है कि इसे करने से कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। उसकी ताकत ही नहीं होगी, उसकी शक्ति नहीं होगी कि वो आपके सामने ठहर जाए। वो इतना निर्बल हो जाएगा, आपकी अपने आप में शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाला आपको फेस ही नहीं कर पाएगा। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही दमदार टोटका है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे चीज़ को करते हैं तो उस पर संपूर्ण श्रद्धा का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी वस्तु आप करते हैं, चाहे आध्यात्म में हो, चाहे कर्म में हो, कहीं पर भी हो, प्रैक्टिकली आप देखना कि जब आप उसमें अपना 100% देंगे, जब आप उसमें पूरा भरोसा दिखाएंगे, जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको करेंगे, तब उसकी एक बात ही अलग होगी। तो मतलब ये है कहने का कि जब आप कोई भी उपाय करें तो उसमें संपूर्ण श्रद्धा रखें और ये भरोसा रखें कि जो आप करने जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से आपके साथ में वो शक्ति चल रही है, वो शक्ति आपकी मदद कर रही है, तभी वो चीज़ों का असर होता है, अन्यथा असर उस चीज़ का नहीं होता है। तो जो भी चीज़ है आपको संपूर्ण श्रद्धा के साथ करनी है, पूरे भरोसे के साथ करनी है, फिर आप देखेंगे कि आपको जो नतीजे मिलेंगे वो एकदम अलग होंगे। तो आप इसमें पूरा भरोसा कीजिए और इसके बाद इस कार्य को आगे कीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ कोर्ट कचहरी है, कहीं आपकी पेशी होने वाली है, कोई भी ऐसी जगह जा रहे हैं आप जहाँ पर आपको ऐसा भय है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा पावरफुल है, या आपके वहाँ पर हारने के चांसेस हैं या नीचा देखने के चांसेस हैं, वहाँ पर आप इस उपाय को आजमाइए और अपने आप पर और इस उपाय पर, इन दो चीज़ों पे सिर्फ विश्वास कीजिए और किस और कुछ भी मत कीजिए, और आप देखेंगे आपका काम बन जाएगा। आपको एक नीम की पत्ती लेनी है, जो कड़वा नीम आता है, मीठा लीमड़ा नहीं, कड़वा नीम जो आता है उसकी एक पत्ती लेनी है आपको, और उस पत्ती को आपको देखते ही यह कहना है, ओम क्री कालिका चली चली शक्ति बढ़ाई। सिर्फ ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको उस पत्ती को देखते हुए 21 बार बोलना है, ओम क्री कालिका चली चली शक्ति बढ़ाई। ये मंत्र आपको पढ़ना है 11 दफे, और उस पत्ती को आपको अपनी ऊपर की जेब में रख लेना है। ध्यान रखिए, उस पत्ती को आपको अपनी ऊपर की जेब में रख लेना है। आप जब कहीं भी जाएंगे, कुछ भी ऐसा मौका पड़ेगा, आप उसे टच कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और सामने वाले की शक्ति हीन होती चली जाएगी। आप वहाँ पर 110% गारंटेड विजय प्राप्त करके लौटेंगे। तो ये इतना अचूक उपाय है कि आपके अगर कोई जानने पहचानने वाले हैं तो उन तक भी इसको पहुँचाइए कि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।